हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा नाम है संजीव जोत्रा और आज हम बात करेंगे एनोड रेज, कैनाल रेज के बारे में बात करेंगे, डिस्कवरी प्रोटॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमने जब कैथोड रेज पढ़ी थी तो उसमें कुछ हमने बातें की थी, जिसमें कहा था कि EFi जो एम रेशियो होती है तो वो हमेशा सेम रहती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। पर आज जो बात हम जो करेंगे एनोड रेज और कैथोड रेज के बारे में, एनोड रेज के बारे में या कैनाल रेज के बारे में या पॉजिटिव रेज के बारे में, ये तीनों कह सकते हैं, एनोड रेज कह सकते हैं, कैनाल रेज कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पॉजिटिव रेज कह सकते हैं। तो इसमें और उसमें अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो उसमें क्या है कि उसमें EM जो वैल्यू थी, जो वैल्यू थी वो क्या थी, सेम थी, सभी के लिए सेम थी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो EM वैल्यू होगी, चार्ज टू मास रेशियो जो होगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी अलग अलग गैसेस के लिए। जब हम अलग अलग गैसेस लेंगे तो वो EM वैल्यू क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको नहीं पता चार्ज टू मास रेशियो क्या थी, क्या पढ़ा था उसके बारे में हमने, तो आप उसको आई बटन पर लिंक दूंगा कैथोड रेज का, वहां पे आप पहले उससे देखिए, कैथोड रेज को समझिए, फिर आप एनोड रेज के बारे में स्टडी करिए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एनोड रेज या हम क्या बोलते हैं कैनाल रेस या हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव रेस। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो सबसे पहले हम बात करें इसके बारे में, जो बात की थी वो किसने की थी, बड़े फेमस साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये बात कब की है, ये 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की, ठीक है। तो गोल्डस्टीन को जो भी श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो गोल्डस्टीन को जाता है किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। हालांकि जो जे थॉम्सन थे उनका भी पूरा इसमें योगदान रहा है, पर जो हम देखते हैं मोस्टली जब हम सर्च करते हैं गोल्डस्टीन ही जो है उनको ही क्रेडिट दिया जाता है, किसके बारे में, एनोड रेज के बारे में, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज के बारे में। तो सेम जैसे कैथोड रेज करती थी वैसे ही एनोड रेज के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम रहेंगे, हालांकि एक दो चीज़ें होंगी, जैसे कहा कि वो एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरेज नहीं करती। तो सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या था कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे ऐसे ही, इसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब ली जाएगी, उसमें कैथोड में से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, जो इलेक्ट्रॉन देते थे हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, इलेक्ट्रॉन रेज चलते थे, जिसे हम कैथोड रेज बोलते थे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम गैस लेंगे। गोल्डस्टीन ने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया और इसमें क्या ली, गैस ले ली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ले ली। ये थे हमारा एनोड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे क्या ले लिया, परफोरेटेड कैथोड, क्या ले ली, परफोरेटेड कैथोड, क्या ली उन्होंने, परफोरेटेड कैथोड ले ली। अब जब इसमें जब प्रेशर कम किया तो यहां पे गैस, जो गैस थी, गैस के जो एटम्स जो लिए वहां पे इसमें लिए, तो क्या देखा गया कि यहां से कुछ रेज निकल के यहां पे इस साइड पे चली गई हैं, यहां पे, और वो विजिबल थी थोड़ी सी, हम कह सकते हैं कलर्ड रेज थी। कौन सी रेज थी, कलर्ड, यहां पे रेड ग्लो हो रहा था, रेड कलर, रेड ग्लो आ रहा था यहां पे, ठीक है। तो क्या देखा कि इधर से रेज चली गई
पॉजिटिव से कैथोड की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है, यहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कोई ना कोई चार्ज है जो कि कैथोड की तरफ जा रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि यहां से परफोरेटेड, मतलब जिसमें सुराख थे, इसमें से निकल के यहां पे ग्लो आना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग में आया कि नहीं, हाँ, क्योंकि यहां पे क्या किया था, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगा दिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे लगाया तो हुआ क्या था, एक्चुअली में क्या हुआ था, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाया तो यहां पे मान लो सपोज जो एटम्स थे, गैस के एटम्स थे, उसमें से क्या हुआ, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और पॉजिटिव पीछे रह गया। इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर निकल गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और पीछे क्या छोड़ गए, होल, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए। और पॉजिटिव थे वो किसकी तरफ जाने शुरू हो गए, इस तरफ जाने शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाने शुरू हो गए, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो अब यहां पे से इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो हमारे चार्ज, कोई कुछ ना कुछ चीज निकली, पॉजिटिव चार्ज निकला और यहां पे कुछ ग्लो होना शुरू हो गया। हुआ क्या था एक्चुअल में, कि इसमें से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स से इधर मूव करेंगे, इसमें से जब जो गैस गैस ली होगी, तो गैस ली होगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज किधर चला जाएगा, इस पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये एनोड है, ये क्या एनोड है, और इधर को चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, और जो पॉजिटिव थे वो किधर चले गए, इस तरफ कैथोड की तरफ। कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसकी तरफ चले गए। ये कैथोड, परफोरेटेड कैथोड दिया जिस पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, इधर को जाने शुरू हो गए। अब तो मेन चीज क्या थी इसमें, देखने वाली क्या चीज है, उसमें से जो कैथोड की बात करते थे, उसमें से इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, इसमें से क्या है, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की रेज जा रही है, पॉजिटिव चार्ज की रेज जा रही है, किसकी तरह, एक कैनाल की तरह जा रही है, तब इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाल रेज, के कैनाल की तरह जा रही है, किस साइड पे जा रही है, नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड की तरफ, नेगेटिव साइड मतलब कैथोड की तरफ। कैसे पता चला, क्योंकि अगर जा रही है तो तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड ग्लो हो रहा है, या कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं फ्लोरिसेंट कलर यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, ये प्रोटॉन नहीं है, अभी 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 फिलहाल की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि एनोड रेज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, नो, एनोड रेज किससे बनी है, गैशियस एटम्स, गैशियस एटम्स, एटम्स से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज निकला है, वो पॉजिटिव चार्ज जो है, जो पॉजिटिव चार्ज की रेज जा रही है, वो क्या है हमारी, एनोड रेज। ठीक है, ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि जो हमारी एनोड रेज है, वो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ गैशियस आयंस, दे आर मेड अप ऑफ गैशियस आयंस, जो गैशियस आयंस बने हैं वो इधर को चले गए। ठीक है, तो हालांकि एक कंडीशन होगी जहां पे मैं कहूंगा कि हाँ, जो हमारी एनोड रेज है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, अभी नहीं, अभी बात नहीं करूंगा मैं, फिलहाल यही बात कर रहा हूं कि जो भी हमारा यहाँ पे जो ये जो रेज निकली है, ये रेज क्या है, प्रोटॉन्स नहीं है, ये रेज क्या है, दे आर गैशियस आयंस, ये क्या है, गैशियस आयंस, पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज किधर को चले गए, इस साइड को जा रहे हैं, किस तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, ये परफोरेटेड है, यहाँ से कुछ जैसे ये पॉजिटिव चले गए होंगे, यहाँ पे इसके साथ टकरा के न्यूट्रलाइज हो गए होंगे, जो बच गए होंगे वो आगे चले गए। ठीक है, तो ये था हमारा भी, हम कह सकते हैं गोल्डस्टीन का, जो हमने बताया कि एनोड रेज के बारे में हमें पता चलना शुरू हो गया। वैसे ये भी वैसे ही करेंगे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगा दी, और ये सारी की सारी जो रेज होंगी वो किधर को डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इस तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। तो इससे प्रूव हो गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भी डिफ्लेक्ट होती हैं,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होती थी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। इनमें भी अगर ये इधर डिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स इस पर कौन सा चार्ज हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब इस पर चार्ज कौन सा होगा, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो जो हमने कैथोड रेज में जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। वो एक्सरेज करती थी प्रोड्यूस, पर ये एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करेंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे ये हैवी पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स कौन से होंगे, थोड़े से हैवी पार्टिकल्स होंगे, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि फटाफट से उसके करेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे वो भी रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन करती थी, वो भी कास्ट अपने जो शेडो कास्ट करती थी, ठीक है, यहाँ पे शेडो आती थी, यहाँ पे जब हम पैडल रखते थे, इसका मतलब क्या था, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। सेकंड क्या था, मटेरियल फैक्ट था उसका, बस उसमें मास था, जैसे यहाँ पे कोई फैन लगाते थे, यहाँ पे रखते थे, तो वो क्या करता था, मूव करता था। इसका मतलब ये एनोड रेज भी क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। हीटिंग इफेक्ट, यहाँ पे हम फॉइल रखते थे और जब रेज जाती थी तो क्या होता था, कैथोड रेज में हीट प्रोड्यूस होती थी, इसमें भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट आते हैं। उसमें भी डिफ्लेक्शन होती थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होगी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, ई बाई एम रेशियो डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, अलग अलग गैसेज के लिए ई बाई एम जो वैल्यू देखी गई, रेशियो देखी गई, वो क्या थी, अलग अलग थी, ठीक है। इवन कि जो इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन्स की हमारी ई बाई एम वैल्यू आती थी उससे भी कम आ रही थी। तो फिर मैक्सिमम उन्होंने देखा, चेक किया कि ई बाई एम जो वैल्यू है, रेशियो है, वो कब हाइएस्ट आएगी, वो क्या कब हाइएस्ट आ सकती है। तो E by M कब हाईएस्ट आएगी, फिर देखा गया कि लाइट, लाइटेस्ट गैस और जिसका मास लेस है, सबसे कम है, ठीक है, जिसका मास कम है और जिसका जो सबसे लाइटेस्ट गैस है उसकी जो E by M की वैल्यू है, E by M की वैल्यू क्या आई, ज़्यादा आई, और वो कौन सी गैस थी हमारी, लाइटेस्ट गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन। वो कौन सी गैस थी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस ली गई, लाइट गैस थी, मास इसका कम था, तो इसकी जो E by M वैल्यू हाइएस्ट आई, क्या आई, हाइएस्ट आई। अब कैसे, क्या हुआ कैसे, हाइड्रोजन के जब उन्होंने चेक किया, देखा, तो जब E by M वैल्यू थी वो हमारी क्या आई, उसमें क्या आई, 9.58 into 10 to the power 7 कूलम पर केजी, ये वैल्यू आई E by M रेशियो, ये हमारे पास आई। और क्या देखा गया, जो हमारा जो प्रोटॉन का जो हमारी जो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जो हमारा था, उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो सेम इलेक्ट्रॉन जितनी इलेक्ट्रॉन्स की थी उतनी थी, बट इन मैग्नीट्यूड, बट उसका साइन क्या था, वो साइन क्या था, ओपोजिट चार्ज था, ओपोजिट साइन था प्रोटॉन का, ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास क्या था, 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulombs, ठीक है। तो चार्ज क्या था, ये इलेक्ट्रॉन्स का ही भी सेम ही है, पर इसमें क्या था, चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो हुआ क्या, इसमें जब इससे हमने क्या निकाल दिया, मास ऑफ प्रोटॉन निकाल दिया, क्या निकाल दिया, मास ऑफ प्रोटॉन, कैसे, मास इज इक्वल टू ई बाय ई अपॉन एम। चार्ज कितना था हमारा, 1.6022 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चार्ज कितना था, ई बाय एम कितनी थी, 9.58 इंटू 10 रेज टू पावर 7 कूलम्स पर केजी, ये चार्ज था हमारा प्रोटॉन का, और ये क्या था हमारी E by M की वैल्यू। जब अब इसको हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास इसकी मास कितना आ गया प्रोटॉन का, दैट इज द 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 केजी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन, क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास हमने यहां से निकाल लिया, क्योंकि हमारा जो E by E क्या था हमारा,
चार्ज था किसका, प्रोटॉन का, पर हमने यहाँ पे चार्ज साइन कौन सा लेना था, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोटॉन्स कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, ई बाई एम 9.58 × 10⁻⁷ कूलम्स पर केजी, और इससे हमने क्या निकाल दिया, उसका मास निकाल लिया। ठीक है, अब जब हमने ये चीज़ देखी, ये मास जो देखा गया, जब ये मास निकाला तो हमने देखा कि 1837 टाइम्स ये जो मास था वो इलेक्ट्रॉन्स के मास से ज़्यादा था, किससे, इलेक्ट्रॉन्स के मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा रहा। ठीक है, फिर उसके बारे में उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, अब जो यही हमने मास जो देखा, जो मास प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का जो मास था वो इक्वल किसके था, इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के इक्वल था, इसका मास हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल था, जिसे हमने वन यूनिट मास भी बोल दिया। क्या बोल दिया, वन यूनिट मास। इसे लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोला गया, लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे नाम दिया गया प्रोटॉन का, इसको नाम दिया गया प्रोटॉन्स का। पर ये वन यूनिट मास, जो वन यूनिट मास था, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड हो रहा था। जैसे जैसे हम अलग अलग गैसेस ले रहे थे तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो इसके इसके मास के होल नंबर जो आ रही थी, इसकी होल नंबर मल्टीपल आ रही थी। ठीक है, अगर हम मान लो, जैसे इससे क्या पता चला कि सेम वैल्यू नहीं रही, ये सेम वैल्यू हर एक गैस में, जैसे हमने कहा कि इसमें हमने अलग अलग वैल्यू लेने पे ई बाई एम वैल्यू भी चेंज हो रही थी, तो हमने जैसे अलग अलग गैसेस ली, ये तो हाइड्रोजन की बात होगी, हाइड्रोजन में इतना आ रहा है, जैसे हमने दूसरी कोई और गैस ली तो वो सेम ये वैल्यू नहीं आई, जैसे इलेक्ट्रॉन्स में सेम वैल्यू आ रही थी, इसमें सेम वैल्यू नहीं आ रही थी, वो क्या आ रही थी, होल नंबर वैल्यू आ रही थी, किसकी, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की। अगर ये सेम वैल्यू नहीं आ रही तो होल नंबर मल्टीपल आ रही है, होल नंबर वैल्यू आ रही है किसकी, मास ऑफ हाइड्रोजन की, इसका मतलब उसमें और ज्यादा एक प्रोटॉन नहीं है, ये तो एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें दो या तीन या चार या पांच प्रोटॉन्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का और एनोड रेज या कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज के बारे में आज का टॉपिक। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि थॉमसन मॉडल आया उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात करनी है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए, नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।